यूके दे विच वसदे ओ लोको वसदे ओ लोको वसदे ओ लोको यूके दे विच वसदे ओ लोको मंगो सारे दुआवां पतना वाले रेड सलामत रेड सलामत मामा अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सब इन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मौसम देखिए काफ़ी अच्छा है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ तमन्नाएं पूरी करें। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा नसल यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। Today's vlog is a bit like that we are taking dad to GP, his first appointment, first GP. अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने गाड़ी खड़ी की है ये जीपी की सर्जरी के पास हम आ गए हैं। कार पार्क की है तो भी डैड को इधर से निकालेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे बहन भाई कि हमारे डैड का ये जीपी के पास 20 साल में से पहला विजिट होगा। जिस दिन से ये पाकिस्तान से आए हैं किसी वजह से इनका जीपी नहीं बन रहा था तो हमने इन 20 सालों में इनको प्राइवेट जो डॉक्टर होता है उनके पास लेकर जाते रहे हैं। लेकिन जो एनएचएस का डॉक्टर है इसके पास ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में इनका जीपी बना है। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम he'll be visiting the GP in 20 years because of his immigration status. But shukr alhamdulillah wo ban gaya hai to ye unke paas abhi pure check up ke liye jayenge ki kya kya inko bimariyan hain kya kya nahi hai. uske baad inka ye full blood count hoga to uske baad hame pata chalega ki kin kin ki bimariyon se shikar hai. waise to ye private jaate rahe hain lekin it wasn't like you know a proper NHS GP where you can get a full treatment done. अंदर जा रहे हैं सर्जरी के अंदर। अगर अंदर डॉक्टर ने बनाने दी ब्लॉग तो मैं बना लूँगी, नहीं तो फिर यहीं तक होगा। ओके सर, मिस्टर सर डायनाम्स लेना ठीक है बच्चे। आपको एक मास से दर्द है पेट में? जी हां दर्द ही आता जाता है दर्द। जी हां ओके हरनिया का इलाज उन्होंने किया था सर्जरी वगैरह ये नहीं किया था रे वो सर्जरी किया लेना। कितना टाइम हुआ? राइट तो पेट में आपको जो है ना यहाँ पे लिखा है कि एक माह से दर्द आता जाता है ठीक है। उसके अलावा आपका बड़ा पेशाब छोटा पेशाब ठीक है? ठीक है। कितने दिनों के बाद टॉयलेट में जाते हैं? जब 6-7 दिन बाद जाओ। ऐसे तो कोई मसला नहीं है। We need a new patient appointment where they'll do his height, weight. Yeah. We need a urine sampling. Obviously, he might have to drop it off because now. Right.
Now, you can drop it off a bit later. Yeah, okay. We might as well drop it off now because obviously once it gets... Sorry, why have you got your phone? No, just... अभी वो डैड को चेक कर रही है क्योंकि वो सब आई थिंक ही हैज़ अ हर्निया सो शी प्रोबली रिफर हिम टू अनदर डॉक्टर फॉर अ स्कैन स्कैन के लिए भेजेंगे उनको क्योंकि वो दर्द बहुत हो रही थी उनको पेट में हर्निया की चेकअप हो गया है उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दे दें तो हम अभी ब्लड देने के लिए जाएंगे वॉशरूम होते ब्लड्स के लिए वेट कर रहे हैं अभी फार्मेसी ना हो अरे यार तू दवाई की नहीं है ना तो फार्मेसी अब क्रस्त है हम केमिस्ट में जा रहे हैं फार्मेसी में डैड की दवाई लेने के लिए पानी अंदर से Still waiting for our medicine. अभी दुआ के लिए वेट कर रहे हैं तो जो ही मिलेंगे इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे This is our local pharmacy where we normally get our medicines from. अभी केमिस्ट से दवाइयाँ लेके हम घर आ गए घर में आ गए हैं तो भी घर चलेंगे इंशाल्लाह अभी गाड़ी में बैठ कर हमने डिसाइड किया है कि स्वीट सेंटर में चलेंगे वहाँ से नाश्ता लेकर फिर घर जाएंगे तो ये हम स्वीट सेंटर के अंदर मेरे हस्बैंड जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए हलवा छोले होते हैं ये स्वीट सेंटर है माशाल्लाह इनका जो नाश्ता होता है इट्स रियली रियली नाइस वेरी ब्यूटीफुल नाश्ता करते हैं ये तो इसलिए ये लोकल है हमारे फॉर सो मेनी इयर्स सिंस 1974 अभी घर वापस आ गए हैं तो अभी जाकर इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे लेके आए हैं बाहर से नाश्ता देखें कितना प्यारा वेदर है सच अ ब्यूटीफुल वेदर सो वार्म डॉक्टर जी भी ने हमें कहा कि कल सुबह आना खून टेस्ट के लिए तो हम वेट कर करके वापस आ गए हैं तो इंशाल्लाह कल सुबह हम फिर जाएंगे तो इसी में मैं वो भी व्लॉग थोड़ा सा ऐड करूँगी अभी हम घर वापस आ गए हैं तो नाश्ते के लिए बाहर से लेके आए थे हलवा छोले और पूरियाँ जो हैं वो अभी मैं डैड को सर्व करूँगी तो हम खुद भी खाएंगे नाश्ता करेंगे तो इंशाल्लाह कल का जो व्लॉग होगा वो इसी में मैं ऐड करूँगी जो ब्लड्स के बाद ब्लड्स के लिए हम जाएंगे जब ये देखिए मेरे बच्चे जागा हुआ है अनिशली जागा हुआ है अभी हम बाहर से आए हैं तो एक हो रेडे अभी मैं चाय बनाऊंगी वेटिंग फॉर द केटल टू बी बॉयल्ड जस्ट वेटिंग फॉर द केटल टू बी बॉयल्ड हेलो
दो नहीं ना और चाहिए नहीं ना ना चाहिए अगर ये नहीं खानो नहीं है पोतरे दो तेरे चलाने अलवेबर कम शुरू किया जुतियां रहन दे ना खाई क्या ना लाए कपड़े तो मिकी लाई दुए दे कपड़े इस्त्री करी दे सारे सट्टो पुराने कपड़े इतने कपड़े ने फिर भी पता नहीं कुदरू कड़ने रहने एनी चली माय बेबी गोइंग टू ईट हम सीख कबाब के रहने दसो सीख लैम चिकन एक लैम एक चिकन और किन सो क्या पूरी बेबी है क्या पूरी बेबी है मैंने खाना बस कहीं खाना ना खाओ ना पूरी खाओ एक ही बोलता बस मैं जिस जगह पर जाओ ना आखिर ना बंदियों ने टेहरी मारी अस्पताल ही जाओ उतर भी जाओ नहीं अभी हम इधर दूसरे दिन आए हैं इस मॉर्निंग टाइम 9:30 तो इधर इस डॉक्टर की सर्जरी में ब्लड्स के लिए वेट कर रहे हैं स्टिल वेटिंग हैं फॉर द ब्लड्स टू बी टेकन फुल ब्लड काउंट होगा डर का क्योंकि उनकी दिस इज़ हिज फर्स्ट जीपी विजिट सिंस इन 20 years 20 साल में पहली बार वो आए हैं डॉक्टर के पास तो इसलिए वो फुल ब्लड काउंट लेंगे इनका ये अभी हम सर्जरी से बाहर निकले हैं ब्लड टेस्ट उन्होंने दिया है ये सर्जरी हमारी आ जाओ ले जलो हाथ दे निकल के बच्चे पता है रोड है ना या होक लैंड आता ऐसू नाले नाले ओ गड्डी गलती हुई है ये टैक्सी रख लाई गया वही तो बैज गर्म हो जानी है ना पीछे से ये कूल रेस
ना उठ सारा कुछ ठीक हो सी, नज़र भी ठीक हो जासी, दंद भी लगी जासन। जो गड्डी अपनो है ये है तो आप परले पास भेजो डोर बंद करो। Aren't you eating? No, ये बाहर से खाना लेके आए हैं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कुक करने का। तो ये देखे हैं मंजारोस, माशाल्लाह। गर्मा गर्म जलेबी as a sweet dish. Are you going to have a mom? Papa. Mom. Anjali? Anjali going to eat? Yeah. ये था हमारा आज का व्लॉग। हम अभी खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो ज़िंदगी रही तो अल्लाह ने चाहा तो एक नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अनस अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Oh my. Quite big portion this parmesan, isn't it? Which pasta is this? Rust pasta. Peri peri.